वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक ऐसे आविष्कार के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और जिसके बिना एक आम आदमी की जिंदगी अधूरी है। उस बेहतरीन आविष्कार का नाम है साइकिल। जी हाँ दोस्तों, साइकिल को आज बच्चे हो या फिर बड़े लोग, सभी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया। साइकिल के आविष्कार की कहानी शुरू होती है सन 1817 से, जब जर्मनी के एक बहुत ही बड़े आविष्कारक बैरन कार्ल वेंट्रेस ने पहली बार दुनिया के सामने एक ऐसी मशीन बनाने का दावा किया जो कि दो पहियों वाली मानव संचालित मशीन थी। और ड्रेस द्वारा बनाई गई इस मशीन का नाम ड्रेसिन रखा गया, जिसको कई लोग डैंडी हॉर्स नाम से भी बुलाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस साइकिल वाली मशीन को ड्रेस ने पब्लिक के सामने सबसे पहले जर्मनी के शहर मैनहेम में 12 जून सन 1817 में पेश किया। और यही नहीं, इस साइकिल से उन्होंने 13 किलोमीटर तक की दूरी तय की, जिसको पूरा करने में उनको 1 घंटे का समय लगा, क्योंकि उस टाइम पर इस साइकिल में पैडल्स नहीं लगाए गए थे और इसको पैरों की मदद से ही धक्का देकर चलाना पड़ता था। लगभग पूरी तरह लकड़ी से बनी हुई इस साइकिल का वजन 22 किलोग्राम था और इसी डिज़ाइन की काफ़ी सारी साइकिल बनाई गईं, जिसको पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन कुछ समय बाद ही इसकी लोकप्रियता तेजी से कम हो गई, जब इसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ने के कारण कुछ शहर के अधिकारियों ने इस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। फिर सन 1818 में लंदन के एक इंग्लिश कोच मेकर डेनिस जॉनसन ने घोषणा की कि वह एक बेहतर मॉडल की साइकिल तैयार करके और एक नए नाम को पेटेंट कराकर बेचेंगे। उन्होंने उसका नाम वेलोसिपेड रखा, जो कि चलाने में काफ़ी आरामदायक थी। उसके बाद साल दर साल साइकिल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कई सारे आविष्कारकों ने उसमें निरंतर बदलाव किए और पहली मैकेनिकली चलने वाली साइकिल सन 1839 में स्कॉटिश के एक लोहार क्रिक पैट्रिक मैकमिलन ने तैयार की। साथ ही मॉडर्न साइकिल्स का इतिहास भी शुरू हो गया और कुछ सालों बाद साइकिल का चलन बढ़ता चला गया, क्योंकि उस समय तक कार्स का आविष्कार नहीं हुआ था। वहीं साइकिल की लोकप्रियता बढ़ती देख कई सारी कंपनियों ने साइकिल का निर्माण तेजी से करना शुरू कर दिया और सन 1888 में द रेलेग बाइसिकल कंपनी की स्थापना इंग्लैंड के नॉटिंगम शहर में की गई, जो आज दुनिया की सबसे पुरानी साइकिल कंपनियों में से एक है। तो ये थी कहानी साइकिल की, जो कि सबसे सस्ते और बहुत कम लागत वाले वाहनों में से एक है। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में साइकिल का चलन कम होता जा रहा है। उसकी वजह शायद हम लोगों को पता भी हो, और बहुत कम लोग हैं जो आज भी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 75% वायु प्रदूषण होने का कारण ईंधन से चलने वाले वाहनों की वजह से होता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि साइकिल्स की अहमियत इंसानी ज़िंदगी में कितनी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।